रतन टाटा और मुकेश अंबानी का बैकग्राउंड थोड़ा सिमिलर है। दोनों ने ही वर्ल्ड के टॉप एमबीए कॉलेजेस से अपनी एजुकेशन पूरी करी। मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। दोनों को ही अपना फैमिली बिजनेस चलाने को मिला और दोनों ने ही अपने अपने बिजनेसेस में काफी ज्यादा सक्सेस अचीव करी है। बट ऐसा क्यों है कि आज की डेट में इंडियाज रिचेस्ट पर्सन में सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम है? वो इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप हर साल अपने एनुअल प्रॉफिट्स का 66% डोनेट कर देती है। टाटा ग्रुप का 2015 में 108 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू था और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बस 44 बिलियन डॉलर्स। इंडिया में कोई भी और ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा जिसमें इतना जिगरा हो कि अपनी कमाई का मोर देन 60% चैरिटीज में डोनेट कर दे। मॉडेस्टी रतन टाटा के नेचर में है, नहीं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने से रोक सके। वर्ल्ड में जैगुआर जैसी कार सक्सेसफुल करने के बाद उन्होंने इंडिया में टाटा नैनो इंट्रोड्यूस करी ताकि इस देश का आम आदमी भी कम दाम पर अपने परिवार को सुख सुविधा दे पाए। साइरस मिस्त्री, जिन्हें कुछ दिन पहले ही चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया है, वो कहते रहे कि टाटा नैनो बंद कर दो, ये कंपनी को घाटे में लेके जा रही है। बट आप लोगों को रतन टाटा के चेहरे पर वो स्माइल देखनी चाहिए थी जब उन्होंने ये कार लॉन्च करी। ये उनका उस वक्त का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था। मेरे कुछ दोस्त हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई टाटा ग्रुप में काम करने के कुछ फायदे वायदे हैं या बस सब हवाबाजी है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम एम्प्लॉइज को क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे 2.5% डिस्काउंट, तनिक्स ज्वेलरी पे 2.5%, टाटा हाउसिंग पे 2.5%, वोल्टास एसी पे 20%, टाटा मोटर्स पे 1,18,000 का एडिशनल कैशबैक, मेरे घर के टाटा स्काई पे 22% और टाइटन आई प्लस पे 10% डिस्काउंट विद यूजुअल एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड बोनस मिलता है। आज की डेट में रतन टाटा अपनी चेयरमैन की पोस्ट छोड़ के रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हर साल यूथ के कई नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं।